पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास। कोर कमेटी ने उमर अयूब का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। शेर अफजल मरवत और शंदाना गुलजार की रुकनियत एक माह के लिए मुअत्तल। इजलास में जेयूआई से मुज़ाकरात पर भी ब्रीफिंग। तरीक-ए-इंसाफ कोर कमेटी ने मुज़ाकराती अमल शुरू करने की मंजूरी दे दी। अब ऑफिशियल कमेटी की बाज़ाब्ता मुलाकात होगी। असद कैसर मौलाना से राबता करके वक्त का तयन करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आइनी किया है तो उड़ा देंगे। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार आइनी इदारा है, अगर धांधली हुई है तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजरसानी नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काजी फायजी से रिमार्क्स, कहा बतौर वजीर आजम दरख्वास्त दी कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए साल दे दो। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा सकी, सुप्रीम कोर्ट पर मत डालें। इलेक्शन कमीशन पहले ये देख सकता था 2018 और 2024 के इंतखाबात की बुनियाद पर मखसूस नशस्तों की तकसीम कैसे की, मखसूस नशस्तें कैसे अलाट हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फार्मूला और दस्तावेजात कल मंगवा ली। इलेक्शन 2018 में अलाट की गई नशस्तों की तकसीम की तफसीलात पेश करने की हिदायत। आज़ाद उम्मीदवार की सियासी जमातों में शमूलियत से पहले और बाद नशस्तों की तकसीम की तफसीलात भी तलब। समात कल 11:30 बजे तक मुलतवी। और पेट्रोलियम मसनूआत के बाद एलपीजी भी महंगी कर दी गई। जुलाई के लिए एलपीजी की फी किलो कीमत में 13 पैसे का इजाफा। एलपीजी की कीमत फ़ी किलो कीमत 234.72 रुपये मुकर्रर कर दी गई। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुलाई के लिए एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2769.66 रुपये मुकर्रर। जून में एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 2768 रुपये था। कराची वाले गर्मी से बेहाल। गुज़श्ता 30 सालों में जुलाई की गर्म तरीन रात रिकॉर्ड। दर्जा हरारत 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, लेकिन शिद्दत 44 डिग्री महसूस की गई। आज से समंदरी हवा बहाल होना शुरू, लेकिन मौसम 1-2 रोज़ में बेहतर होगा। कराची में 5 जुलाई से बारिशों का इम्कान, महकमा मौसमियात ने खबर दे दी। की कंडीशन है ना इस वक्त तक, यानी अभी जो है ना मानसून वही राजस्थान वगैरह पे जैसे लो प्रेशर बना हुआ है तो वहाँ पर बारिश का इम्कान है, और फिर वहाँ इंडिया के उन इलाकों में मानसून हवाएँ दाखिल हो रही हैं और बारिशें हो रही हैं, तो वो हमारे ईस्टर्न सेल से होती हुई फिर इम्कान ये है कि 4 जुलाई की रात को या 5 जुलाई को फिर इम्कान होगा कराची में भी अच्छी बारिश का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएँ ताकि कोई खबर रह न जाए।